आ गए आप। चलिए आपका स्वागत करता हूँ मैं अंकुश त्यागी एक्सप्लेन्स के एक और नए एपिसोड में। जी हाँ, यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता हूँ, छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होती हैं टेक्नोलॉजी में उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एपर्चर, शटर स्पीड और ISO के बारे में। जी हाँ, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फोटोग्राफी की बेसिक्स मानी जाती हैं, यानी पिलर्स माने जाते हैं। भाई स्तंभ यही है, इनके ऊपर ही आप फोटो खींच सकते हैं। शुरुआत यहीं से होनी है, शटर स्पीड से होनी है, ISO से होनी है, एपर्चर से होनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके फोटोग्राफी यानी कि आपके कैमरे में क्या काम करती हैं, इन तीनों को चेंज करने से क्या क्या चेंज हो जाएगा, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो बेसिक होता है इन तीनों चीज़ों का, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हम शटर स्पीड से। तो देखिए, शटर स्पीड होता है मतलब जो आपका कैमरा जब आप फोटो खींचते हैं तो शटर क्या होता है, खुलता है, बंद हो जाता है। तो जितने टाइम के लिए खुलता है उतने टाइम के लिए वो लाइट अंदर लेता है, सीधी सी बात है। तो अब ध्यान दीजिए, शटर स्पीड बहुत हाई रखी आपने, तो फास्ट रखी, तो क्या होगा, एकदम से खुल के बंद हो जाएगा, समझे। तो ये कब काम आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो आपको उसका फोटो लेना है। देखिए, जब कोई इंसान दौड़ लगा रहा है या फिर कोई एक्शन हो रहा है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई जंप कर रहा है, तो उस टाइम वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो शटर स्पीड को जितना फास्ट रखेंगे आप, उतने कम टाइम के लिए वो मूव कर पाएगा। मतलब कैमरे को शटर स्पीड कम फास्ट रखने से मतलब क्या होगा, फास्ट रखने से मतलब होगा कैमरा बस उसी थोड़ी सी देर के लिए खुलेगा। जितने कम टाइम के लिए कैमरा खुलेगा उतने ही कम टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट को कैप्चर करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो आपको शटर स्पीड फास्ट रखनी होती है। बात आई समझ में। अब क्या होगा अगर आप शटर स्पीड कम कर देंगे, देखिए आपने शटर स्पीड कम कर दी, तो जब कैमरा खुला तो मान लीजिए कब जंप कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने जंप किया तो आपने शटर दबाया, तो जब कैमरा खुला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन जब कैमरा बंद हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, इतना ट्रैवल कर गया, जंप कर रहा था, तो कैमरे का जो शटर स्पीड था वो आपने कम रखा, तो वो मूव कर गया, तो उस मूव करने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लर हो जाएगा। जो ब्लरीनेस आती है ना, आपने देखा होगा जब कोई कूद रहा होता है तो ब्लर हो जाता है, तो वो ब्लर हो जाता है जब आप शटर स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। यानी कि अगर आपको अगर मूविंग ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है, तो आपको शटर स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक लैंडस्केप ले रहे हैं या फिर किसी स्टिल ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं, तो आप शटर स्पीड को कम भी रख सकते हैं। उसका फायदा ये होगा, देखिए शटर स्पीड जितनी कम होगी यानी कि शटर उतनी देर के लिए ज़्यादा खुलेगा, शटर जितनी देर के लिए ज़्यादा खुलेगा उतनी लाइट अंदर जाएगी, सीधी सी बात है। कैमरा का ओपनिंग जितनी ज़्यादा देर के लिए खुली रहेगी उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, और जितनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी लो लाइट फोटोग्राफी उतनी बेहतर होगी। तो अगर आपकी आपको लो लाइट में फ़ोटो खींचनी है तो शटर स्पीड को कम करना पड़ता है, लेकिन कम मतलब ज़्यादा देर के लिए ओपनिंग देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेना है, फिर आपको डे टाइम में फ़ोटो लेने का चांस मिल रहा है और आपको कोई मूवी ऑब्जेक्ट या फिर किसी एक्शन को कैप्चर करना है, तो आपको शटर स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी। कैमरा खुला बंद हो गया, जिससे ऑब्जेक्ट जो एकदम स्टिल शार्प फोकस में आए और अच्छी फोटो आए, ब्लरीनेस ना आए। तो शटर स्पीड को घटाने बढ़ाने का क्लियरेंस आपको समझ में आ गया कि कब घटाना है कब बढ़ाना है, और घटाने बढ़ाने से क्या होता है, सारा चेंज सिर्फ क्या होता है, लाइट कितनी अंदर जाएगी। तो शटर स्पीड जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, शटर उतनी ज़्यादा देर के लिए खुलेगा, शटर जितनी ज़्यादा देर के लिए खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, यानी कि शटर स्पीड आपकी लो लाइट में हेल्प करती है। एक्शन फोटोज़ आपको लेने हैं तो शटर स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रखनी पड़ेगी, शटर को बहुत कम टाइम के लिए ओपन करना पड़ेगा, इससे आपकी शटर स्पीड अच्छी क्वालिटी की रहेगी, तो ऑब्जेक्ट ब्लर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपने कभी झरने की फ़ोटो ली है, यानी पानी गिर रहा हो या फिर टैब जो टोटी चलती है, तो आप शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा है मतलब फास्ट रखें, तो जब वो फोटो लेगा तो पानी आपको अलग अलग दिखेगा, बूंदें अलग अलग दिखेंगी, गिरती हुई दिखेंगी। लेकिन आप उसी फोटो को थोड़ा सा शटर स्पीड को घटा दें, थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए ओपनिंग दें और क्लोज करें, तो पानी स्मूथ हो जाएगा, यानी कि जो झरना गिर रहा था वो एकदम स्मूथ तरीके से दिखेगा आपको, क्योंकि वो पानी जो है हल्का हल्का ब्लर हो जाएगा, जिससे एक स्मूथनेस आ जाएगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट में। तो जब झरने वगैरह की फ़ोटो लेते हैं तो आपको वो जो लगता है ना कि एकदम स्मूथ फोटो कैसे आया, वो शटर स्पीड से ही एडजस्ट किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल था, तो पहली चीज़ क्लियर हो गई शटर स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एपर्चर क्या होता है। देखिए, एपर्चर होता है जो आपका कैमरे के सामने लेंस लगा होता है वो कितना खुलेगा, कितना ज़्यादा ओपन करना है, कितना ज़्यादा क्लोज करना है, यानी कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसे डिवाइड कर देते हैं जो कैमरे की रेडियस होती है उससे। क्लियर हुई बात। अब ये होता क्या है, एपर्चर का क्या फ़ायदा है, एपर्चर का काम क्या है, एपर्चर का लेंस आगे से कितना खुलेगा कितना बंद होगा उस पर डिपेंड करेगा कैमरे के अंदर लाइट कितनी जाएगी,
सीधी सी बात है, ज़्यादा खुलेगा तो लाइट ज़्यादा जाएगी, कम खुलेगा तो लाइट कम जाएगी। यानी कि जो एपर्चर एफ स्टॉप नंबर होता है तो ये जैसे जैसे घटता जाता है, f1.4, f1.6, f1.2, तो ये नंबर घटता जाएगा, एपर्चर वाइड होता चला जाएगा, और ये नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा एपर्चर नैरो होता चला जाएगा। यानी f14 कहीं पे लिखा हुआ है, यानी कि एपर्चर काफ़ी नैरो हो चुका है, तो यानी कि ओपनिंग काफ़ी छोटी हो चुकी है। ओपनिंग छोटी होने का मतलब है लाइट काफ़ी कम अंदर जाएगी। बात आ गई समझ में? तो अगेन, अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी करनी है तो एपर्चर जितना ज़्यादा वाइड होगा उतनी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन डे टाइम में आप एपर्चर को वैरी करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ लाइट ही यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी होती हैं। एपर्चर आपका डिफाइन करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना ब्लर होने वाला है। जो धुंधलापन आता है ना कि ऑब्जेक्ट फोकस में बैकग्राउंड ब्लर हो गया, वो एपर्चर की वजह से आता है। तो आपका बैकग्राउंड कितना ब्लर होने वाला है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके एपर्चर पे। जैसे जैसे एपर्चर वाइड होता जाएगा वैसे वैसे बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होता जाएगा। देखिए फोकल लेंथ भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन फोकल लेंथ की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, एपर्चर की बात कर रहे हैं। तो एपर्चर जैसे जैसे वाइड होता चला जाएगा बोके ज़्यादा होता चला जाएगा, जो बोके मोड बोलते हैं ना बैकग्राउंड ब्लर करना। एपर्चर जैसे जैसे नैरो होता चला जाएगा बोके कम होता चला जाएगा। तब आप बोलेंगे तो हर जगह एपर्चर को नैरो रखो और फोटो खींच दो, ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको पता है भाई, जितना ज़्यादा बोके अच्छा आता है उतना अच्छा फोटो लगता है देखने में, पोर्ट्रेट मोड यही होता है। तो एपर्चर को एकदम वाइड रख के फोटो खींचते चले जाओ, सारे फोटो अच्छे आएंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पे खड़े हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप है आपके पीछे, झील है, पहाड़ हैं, और आप फोटो कैप्चर करना चाहते हैं। तो अगर आपने एपर्चर को बहुत ज़्यादा वाइड रखा तो सिर्फ आप फोकस में आएंगे, बैकग्राउंड में क्या है कोई नहीं पहचान पाएगा, पूरा का पूरा चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो अगर आपको बैकग्राउंड दिखाना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड भी दिखे आप भी दिखे, तो आपको एपर्चर को नैरो करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो गई है। तो उस जब आप एपर्चर को नैरो कर देंगे तो आप तो फोकस में रहेंगे, लेकिन जो पीछे आपका बैकग्राउंड था वो भी कम्प्लीटली फोकस में, कम्प्लीट फोकस में नहीं आएगा तो, लेकिन वो दिखना शुरू हो जाएगा, कम्प्लीटली ब्लर नहीं होगा। तो फोकस, सॉरी, एपर्चर का ये समझ में आ गया आपको। एक और चीज़ देखिए, जब आप एपर्चर को बहुत वाइड कर देते हैं तो एक शार्प पॉइंट को ही आप फोकस में ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें एक बड़ा ऑब्जेक्ट फोकस में ले लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एक तितली का एग्जांपल ले लीजिए, बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई बहुत छोटी सी होती है, तो आप बहुत वाइड अपर्चर रख के भी बटरफ्लाई का फोटो खींच सकते हैं, बटरफ्लाई पूरी की पूरी किस में आ जाएगी, फोकस में आ जाएगी, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। लेकिन आप एग्जांपल लीजिए, आपको एक हाथी का फोटो खींचना है, तो अगर आप अपर्चर को बहुत ज़्यादा वाइड कर देते हैं तो आप पूरे के पूरे हाथी को एक साथ फोकस में नहीं ले सकते हैं। या तो आप फ्रंट पार्ट को फोकस में लेंगे, या मिड पार्ट को फोकस में लेंगे, या फिर बैक पार्ट को फोकस में लेंगे हाथी के, यानी कि या तो आँख फोकस में आएंगी, या कान फोकस में आएगा, या फिर पूँछ फोकस में आएगी, पूरा का पूरा हाथी एक साथ फोकस में नहीं आएगा अगर आप अपर्चर को वाइड रखते हैं। तो एपर्चर को क्या करना पड़ेगा, नैरो करना पड़ेगा। तो जब आप एपर्चर को नैरो करते हैं, जो फोकस होता है वो ज्यादा ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ले पाता है, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। जो डेप्थ आती है ना कि कितना ऑब्जेक्ट फोकस में है, ये एपर्चर की वजह से आती है। तो जैसे जैसे आपका एपर्चर नैरो होता चला जाएगा, डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, तो आप ज़्यादा पोर्शन को फोकस में ले पाएंगे। तो एपर्चर से इस तरीके से खेल के आप मेहनत कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या लेना है। तो एपर्चर लो लाइट में ऑब्वियसली हेल्प करता है, आपको बोके में हेल्प करता है, और आपको कितने ऑब्जेक्ट को फोकस में लेना है उसमें हेल्प करता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई उम्मीद है, शटर स्पीड आपको समझ में आ गई होगी, एपर्चर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आईएसओ के बारे में। ये आईएसओ बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। आईएसओ कुछ नहीं होता है, लाइट के प्रति, लाइट के टुवार्ड्स जो सेंसिटिविटी होती है सेंसर की, वो होता है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने एपर्चर पूरा वाइड कर दिया जितना आप कर सकते थे, यानी कि आपका लेंस जो है वो कैपेबल है f1.8 जाने तक। लेंस की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि फ़ोन में लिखा होता है f2.0, f2.2, उसका मतलब क्या है, लेंस f2.2 से नीचे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपने पूरा वाइड जितना आप कर सकते थे, जितना कैमरे की आपकी औकात थी, जितने लेंस की औकात थी, वो कर दिया, आप f1.8 पे पहुंच गए, ठीक है। आपने शटर स्पीड को जितना कम करना था वो कर दिया, यानी कि जितना फास्ट शटर स्पीड को बंद करना था वो कर दिया, ये भी हो गया। लेकिन अब भी आपको दिख रहा है कि भाई अब भी लो लाइट का लाइट कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, उस केस में आपकी हेल्प करेगा आईएसओ। आईएसओ को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे, लाइट बढ़ती चली जाएगी। अभी लाइट कहाँ से आ रही है, कुछ नहीं है, एक तरीके से मान लीजिए कैमरा सेंसिटिव ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब छोटी छोटी लाइट्स के लिए भी सेंसिटिविटी कैमरे की बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट डाल दी गई है फ्रेम में,
लाइट है नहीं कहीं पे, लेकिन एक कैमरा अपने पास से आर्टिफिशियल लाइट डाल रहा है फ्रेम में, तो लो लाइट में आईएसओ बढ़ाना पड़ता है हमें अगर आपको एक अच्छी फोटो लेनी है, क्लियर फोटो लेनी है। लेकिन इसके एक ड्रॉबैक भी है, जैसे जैसे आप आईएसओ को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे नॉइस जो होता है ना, वो छोटे छोटे नॉइस टाइप जनरेट हो जाता है फोटो में, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप आईएसओ बढ़ाते हैं, नॉइस भी बढ़ता चला जाता है। तो ISO का काम कुछ नहीं होता है, ISO का काम यही होता है जब आपकी शटर स्पीड और फोक जो एपर्चर होता है वो दोनों अपने मैक्स लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी अगर आपको फ्रेम में लाइट चाहिए, उसके बाद भी आपको फ्रेम में थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए, तो ISO काम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें, तीन फैक्टर हैं जो आपकी फोटोग्राफी के बेसिक्स को डिफाइन करते हैं कि आप शटर स्पीड को कैसे वैरी कराते हैं, आप एपर्चर को कैसे वैरी कराते हैं, आप ISO को कैसे वैरी कराते हैं। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आपके एक अच्छी क्वालिटी का फोटो निकाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शटर स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, ISO क्या होता है, किस तरीके से बेसिकली काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।